आज कैसे हो आप सब। ये है चना का दाल, जिसे मैंने 5 से 6 घंटे पहले फुला लिया है और फुला करके अच्छे से धो लिया है। आज मैं बनाने जा रही हूँ इसका बिहारी स्टाइल चने दाल का पूरी। और ये है कुकर, जिसमें मैं डालूँगी अब थोड़ा सा सरसों तेल। आप चाहे तो कढ़ाई में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने इधर चढ़ा लिया है कुकर। और कुकर में मैं डाल दूंगी 4 लौंग, जीरा और काली मिर्च। जीरा अब अच्छे से चटक गया है तो इसमें डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। और अब हम डाल देंगे इसमें चना दाल को, पूरे दाल को हम इसी तरीके से डाल देंगे। दाल को मैंने डाल दिया है और डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक, और नमक के बाद हल्दी और पानी। बस उतना ही पानी डालना है जितने में ये अच्छे से पक जाए। दाल के बराबर आप पानी डालेंगे तो उतना पानी में आराम से अच्छे से पक जाएगा। और हम बंद कर देंगे प्रेशर कुकर को और इसमें लगा देंगे 2 से 3 सीटी। इधर जब तक हमारा दाल हो रहा है तब तक मैंने चढ़ा लिया है सेवई, और हमारा खाना एक ही बार में बन के हो जाएगा तैयार। आज मैं बना रही हूँ दाल वाली पूरी, सेवई और आलू परवल की सब्जी। बहुत अच्छी तरीके से देखिए हमारा दाल उबल गया है। ये थोड़ा ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। इसको हम छोड़ देंगे अब कुछ देर ठंडा होने के लिए, और ठंडा हो जाएगा कि दाल को हम अच्छे से पीस लेंगे। दाल को मैंने अच्छे तरीके से कुकर में ही चला लिया है कि दाल थोड़ा अच्छे से मैश हो जाए। और एक प्लेट में हम पूरे दाल को निकाल करके इसी तरह से रख लेंगे। तो देखिए मैंने प्लेट में निकाल करके रख लिया है और दाल का इंतज़ार करेंगे ठंडा होने के लिए। दाल ठंडा होगा उसके बाद हम दाल को पीस लेंगे। जब तक दाल हो रहा है ठंडा तब तक मैं आटे को बिल्कुल ही सॉफ्ट गूँथ लेती हूँ और गूँथ करके तैयार कर लेती हूँ पूरी बनाने के लिए। आज मैं बिना सिलबट्टे और बिना मिक्सर के यूज करे ही दाल को पीसूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिलबट्टा सभी के घरों में होता नहीं है और लाइट न होने के कारण मिक्सर का यूज हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इधर मैंने ले लिया है ग्लास, जो कि सभी के घर में होता है। और इस तरीके से मैं दाल को करते जाऊंगी और हमारा दाल बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं पूरे दाल को मैश करके और आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बहुत ही बारीक और बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। देखिए इधर जो दाल हुआ है वो तो कितना बारीक है। इसी तरह से मैंने पीसते हुए पूरे दाल को इसी तरह से मैश कर लिया है। देखिए मिर्ची भी अच्छे तरीके से मैश हो गई है, गोल मरीच लौंग सभी कुछ अच्छे से मैश हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैश नहीं हुआ है। देखिए दाल एकदम बिल्कुल ही बारीक है, एक भी दाल कोई भी दाल देखिए खड़ा नहीं है। और इसी तरीके से हम आटे को इधर मैंने गूंथ कर रख लिया है तो फटाफट से उसमें करेंगे इसको स्टफ और बना करके तैयार कर लेंगे दाल वाली पूरी। इधर मैंने आटे को गूंथ कर रख लिया है और एक ले लिया है एक आटे का लोई, और इसमें मैं कर लेती हूँ दाल को स्टफ। तरीके से पेड़े को बना करके मैं जितना इसमें दाल जा सके उतने दाल को स्टफ कर लूँगी और करके और अच्छे से इसको बंद कर दूँगी। बिल्कुल हल्के हाथों से दबाएं, अच्छे से पेड़े को बना करके और अब हम उसमें लगा लेंगे थोड़ा आटा, क्योंकि मैंने लगा लिया है। हल्के हाथों से हम पूरी को बेल लेंगे। और इधर मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, इसमें हम पूरी को तल लेंगे।
और इधर तेल हो गया है गर्म। मैंने पहले से ही कुछ पूरी इस ऑयल में तल लिया था और इसी में अब मैं ये पूरी तल रही हूँ। नाश्ते के लिए होता है सबको जल्दी जल्दी, इसलिए मैंने फटाफट से कुछ पूरी पहले ही तल लिया और अच्छे से पलटते हुए पूरी को दाबते हुए हम पूरी को फुला लेंगे। अगर अच्छे तरीके से आप पूरी को स्टर्व करेंगे, दाल बारीक पीसेंगे, तो आपका पूरी बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और दाल आज मैंने थोड़ा गीला उबलाया था क्योंकि उबाला था क्योंकि दाल जब गीला रहता है ना तो पूरी में से दाल बाहर नहीं आता है, अच्छे तरीके से बढ़िया टेस्टी पूरी बनकर तैयार होता है। और हम रख लेते हैं पूरी को प्लेट में। और इसी तरीके से मैंने सारे पूरी को तल लिया है और तल करके एक बर्तन में पेपर डालकर और मैंने सारे पूरी को उसमें रख लिया है और हमारा पूरी बन के हो गया है अब तैयार। और अब मैं खाना भी निकाल लेती हूँ। और अब हमारा हो गया है खाना बन के तैयार, दाल वाली पूरी, सेवई, आलू परवल की सब्जी। बाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करें।